हेलो दोस्तों, फिर से आपका प्रांत स्टेक चैनल पे स्वागत है। तो आज जो चीज़ दिखाएंगे वो प्रैक्टिकल के साथ प्रूव करके आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दो तीन चीज़ अब आपको दिखाएंगे। पहले हमारा चैनल पे बहुत पहले डाला हुआ था, तो उसका ही आज हम प्रैक्टिकल के साथ आपको दिखाएंगे। हम लोग जो सप्लाई यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो हमारा जो ऑडियो एम्पलीफायर का सप्लाई रहता है वो अगर चलिए 12 वोल्ट का कुछ सर्किट है तो ऐसा होता है, इसमें तीन पॉइंट होता है, एक ग्राउंड होता है या कॉमन कह सकते हो, और एक पॉजिटिव 12 वोल्ट होता है और एक नेगेटिव 12 वोल्ट होता है। और जितने भी एम्पलीफायर होता है, ज़्यादातर एम्पलीफायर में क्या होता है दोस्तों, जो रियल वोल्टेज ऐसा ही मिलता है, तीन पॉइंट है, जो एक पॉजिटिव, एक ग्राउंड और एक नेगेटिव वोल्टेज होता है। तो उसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव मान के चलो 100 वोल्ट होता है, इसमें ग्राउंड 0 है और नेगेटिव 100 वोल्ट होता है, तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है वो, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल दिया मैंने। आपके पास 12012 का ट्रांसफार्मर है तो आप उसको ब्रिज करके आप निकाल सकते हो। मान के चलो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे दो पॉइंट है, 230 वोल्ट एसी है, ठीक है। और इसमें से तीन टैप निकल के आ चुका है। मान के चलो अभी इस पॉइंट पे 12012 वोल्ट एसी निकल के आ चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ब्रिज रेक्टिफायर डालते हैं हम लोग। एक ब्रिज रेक्टिफायर, चलिए मैंने ड्रॉ कर लेता हूँ एक ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर ड्रॉ कर लिया हूँ। तो इसमें क्या होता है, एक जो दो पॉइंट है 12 वोल्ट का, एक पॉइंट इस पॉइंट पे लग जाता है और दूसरा जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पे लग जाता है। तो ये जो पॉइंट निकल के आ गया दोस्तों, ये -12 वोल्ट के लिए आ गया, और ये जो पॉइंट आ गया दोस्तों, ये +12 वोल्ट के लिए आ गया। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए दो 220 वोल्ट से 12012 निकले, तब भी हम ये वोल्ट निकाल सकते हैं। ये जीरो मानते हैं हम, और ये ग्राउंड भी कॉमन भी मानते हैं और ग्राउंड भी मानते हैं इसी पॉइंट को। तो इस पॉइंट से होके अगर हम ऐसे इस पे मेजर करें तो -12 वोल्ट दिखाएगा, और इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे मेजर करें तो +12 वोल्ट दिखाएगा। तो यही होता है हमारा ट्रांसफार्मर। मान के चलो ये होम थिएटर में ये लगा हुआ है। तो आपके पास अगर ट्रांसफार्मर ऐसा है कि ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर आपके पास नहीं है, ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा आपका पास ट्रांसफार्मर है, चलिए इसमें और एक ट्रांसफार्मर मैंने ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्चुअली ये मैंने सीधा ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन ड्रॉ करता हूँ, ट्रांसफार्मर डिज़ाइन ऐसा ड्रॉ नहीं होता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर डिज़ाइन जो होता है, इसमें कॉइल के थ्रू ट्रांसफार्मर दिखाया जाता है, बीच में एक लाइन खींच के दिखाया जाता है, ये ट्रांसफार्मर होता है। तो हम ऐसे ही बॉक्स करके दिखा दिया जो डायलॉग है आप आसानी से समझने के लिए। तो इसमें 230 वोल्ट आ गया उसके तरह ही। तो इसमें तीन टैब ना होके, मान के चलो आपके पास ये टैब नहीं है, आपका जो ट्रांसफार्मर है ये 012 आता है, ये ट्रांसफार्मर 0 वोल्ट और 12 वोल्ट ही निकल रहा है इस पॉइंट से, इसमें 0 निकल रहा है और इसमें 12 निकल रहा है। तो आप कर आपका ये सप्लाई चाहिए, ये सप्लाई चाहिए, इस तरह का सप्लाई चाहिए, मतलब आपको +12 वोल्ट 0 -12 वोल्ट चाहिए आपको। तो इस ट्रांसफार्मर से कैसे निकालेंगे वो एक हम आपको दिखाता है एक डायग्राम करके, और प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, और 12 से 12 एम्पलीफायर में कैसे किया जाता है अगर आप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, वो भी हम प्रैक्टिकल पर आपको दिखाएंगे। चलिए इसको कैसे ड्रॉ करना है मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप पूरा वीडियो देखिए। ऐसे कमेंट मत कीजिए कि ये फेक है, ऐसा हो नहीं सकता है। आप पहले प्रैक्टिकल कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिकल देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये गलत है ये सही है। इसमें 0 आ गया, तो ये 0 जो हमारा इस पॉइंट पर है ये भी 0 था, तो हम इसको कॉमन और ग्राउंड कुछ भी मान सकता है, कॉमन और ग्राउंड कुछ भी मान सकता है इस पॉइंट को। तो रहेगा और एक पॉइंट जो 12 वोल्ट मैंने निकाला है, तो ये 12 वोल्ट से हम +-12 वोल्ट करना है। तो फिर क्या करना है दोस्तों, इसका भी एक बहुत ही आसान डिज़ाइन है। मैं और एक ब्रिज रेक्टिफायर ड्रॉ कर लेता हूँ, इसे मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर मेरा मैंने ड्रॉ कर लिया हूँ। तो सेम टू सेम इस तरह से ही मैंने ड्रॉ किया, उसमें आपको समझने के लिए सेम टू सेम ड्रॉ किया है, देख लीजिए आप लोग।
तो सेम टू सेम मैंने ड्रॉ किया हो समझने में आसानी होने के लिए। तो ये इसमें तो एक ही पॉइंट निकल गया है लेकिन इसमें दो पॉइंट देना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा इस पॉइंट से एक वायर लेके आप इसमें डाल दीजिए। एक पॉइंट तो आपको मिल गया और दूसरा सिरा बाकी है, तो दूसरा सिरे को क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा पॉइंट है, इसको लेके भी इसके साथ जोड़ दीजिए क्योंकि हमारा दूसरा कोई पॉइंट नहीं है जो हम निकल सके। और हम जानते हैं ब्रिज के बाद कैपेसिटर बैंक होते हैं, तो इसमें भी ब्रिज के बाद कैपेसिटर बैंक होगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका माइनस 12 वोल्ट आएगा और ये जो पॉइंट होगा दोस्तों ये प्लस 12 वोल्ट निकलेगा। तो मान के चलो हम 0 12 से 12 0 12 निकल लिया, पॉजिटिव प्लस 12 वोल्ट 0 से और 0 से प्लस माइनस 12 वोल्ट भी मैंने निकल लिया। ये होता है दोस्तों, सिंपल सा ट्रिक है ये। अगर आपका 0 12 ट्रांसफार्मर हो तो भी आप 12 0 12 निकल सकते हैं। और एक चीज हो सकता है आपका पास 12 0 12 है, आप 24 0 24 निकलना चाहते हो, तो सेम टू सेम इस ट्रांसफार्मर के साथ इस पॉइंट पे कनेक्ट कीजिए, बीच को छोड़ दीजिए। कैसे होगा ये भी मैं सिंपल सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलिए ट्रांसफार्मर ड्रॉइंग कर लेता हूँ। ये ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट हो गया या 220 वोल्ट जो होता है घर का वोल्टेज। और ये पॉइंट मैंने और एक ड्रॉ कर लिया हूँ, तो इसमें जो 12 0 12 मैंने ड्रॉ किया था तो वही इस ट्रांसफार्मर को इसमें इस पोजीशन पे ड्रॉ कर लिया। तो ये इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ मत कनेक्ट कीजिए, आप सिर्फ इसको इस 1200 आप कमांड मानिए या ग्राउंड मानिए, मतलब कि इसको आप मान के चलो ये पॉइंट जीरो है और एक पॉइंट निकल गया है। तो इस पॉइंट से आप सेम टू सेम एक ब्रिज रेक्टिफायर डालिए, तो इसी पॉइंट को सीधा इस पॉइंट पे कनेक्ट कीजिए और ये दूसरे पॉइंट को सीधा लेके इसके साथ ही कनेक्ट की दीजिए। तो ये जो जीरो हो गया इस पोजीशन से आप, तब आप जो आपको मिलेगा तो -24 वोल्ट निकलेगा और इस पॉइंट से +24 वोल्ट निकलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान पे रखिए दोस्तों, आपका जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा वोल्टेज आपको मिल नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका ये जो कोर है इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका ट्रांसफार्मर का वोल्टेज। ये जितना वोल्टेज निकल सकता है आपका ट्रांसफार्मर का वोल्टेज उतना ही रहेगा। लेकिन आपका वोल्टेज अगर ज्यादा चाहिए तो आप इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा ट्रिक दोस्तों, ये मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया। अब इसके साथ हम प्रैक्टिकल भी करने वाला हूँ, चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये होता है कि नहीं, या ऐसे ही बकपस कर दिया और ड्रॉ करके दिखा दिया ये होता है कि नहीं, पहले एक बार देख लीजिए। चलिए हमारा पास एक 12 0 12 का ट्रांसफार्मर है, देखिए ये कुछ नील कंपनी का है, ये 230 वोल्ट इसी आएगा, तब इसका आउटपुट जो आएगा इसमें देखिए 12 0 12 1 एम्पियर लिखा हुआ है। तो इसके साथ हम एक एम भी कनेक्ट करके आपको दिखा दूंगा। चलिए पहले इसको हम वोल्टेज देके देखते हैं इसका पॉइंट में कितना वोल्टेज आ रहा है एसी में। तो इसके लिए मैंने एक बोर्ड भी रख दिया वो साइड में, जो इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। और हम इस साइड में रख देते हैं तो आपको आसानी से दिख जाएगा, लाइट भी ऑन कर लेता हूँ। देखिए इसमें 11.6 वोल्ट दिख रहा है, इसमें भी तकरीबन उतना ही दिख रहा है 11.6, मतलब कि दोनों साइड में सेम वोल्टेज दिख रहा है, 11.6 वोल्ट दिख रहा है। तो इससे तो हम आसानी से एक एम्प को चला सकते हैं। चलिए मैंने इसके लिए और एक एम्प भी लगा देता हूँ, ये मेरा डाई एम्प है दोस्तों, ये 20-30 IC का बना हुआ है, यही अच्छा क्वालिटी होता है, इससे ज़्यादा क्वालिटी वाला 20-30 में होता नहीं है। तो ये डॉट बोर्ड पे बना हुआ है, ये स्टीरियो एम्प है और कनेक्टर सारे के सारे लगा चुका हूँ मैंने। तो इसके साथ इस पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं इसका वोल्टेज क्या होता है। चलिए हम इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, इसमें दो LED भी लगा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज फाइंड करने के लिए। तो इस वोल्टेज अब हम इसमें देखेंगे कितना वोल्टेज दिख रहा है, चलिए हम इसको वोल्टेज मेजर कर लेता है DC में, तो DC वोल्टेज कितना आता है एक बार देख लेता हूँ। तो ये मैं बोर्ड को उल्टा कर दे रहा हूँ, हमारा जो मेजर करने में समझ सुविधा ही होगा। तो ये चारों तरफ ग्राउंड फैला हुआ है, किसी एक ग्राउंड मैंने प्रॉग लगा दिया और इस पे जो वोल्टेज मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए ये -12 वोल्ट करीब आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसमें -12 वोल्ट दिखा रहा है 12.9 और इसमें दिख रहा है +12.9।
तो इसमें से पहले एक बार थोड़ा सा गाने को प्ले कर लेता हूँ, देखता हूँ ये चलता है कि नहीं, गाना चलता है कि नहीं। फिर इसको हम सिर्फ दो कनेक्शन से इसको चला के दिखाएंगे ये चलता है कि नहीं, क्योंकि ये 1212 के बना हुआ है। हम लोग जानते हैं कि जो 20-30 IC तो है ये ड्यूएल वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, तो इसमें भी मैंने ड्यूएल वोल्टेज लगा दिया हूँ। तो इसको अभी हम प्ले करके देखते हैं, फिर इसको सिंगल सप्लाई से ड्यूएल होता है कि नहीं वो भी चेक करके देखेंगे। चलिए दोस्तों, ये स्पीकर का वायर है, मैं स्पीकर का वायर स्पीकर कनेक्टर पे लगा दे रहा हूँ। हम इसमें टिगर करके देख सकते हैं, मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ क्योंकि ये AC है, हाथ में लग जाए तो बहुत जोर से झटका लगा। देखिए ये सिग्नल आ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो ये सिग्नल आ रहा है। तो हम थोड़ा गाना भी प्ले कर लेता हूँ इसमें। एक्चुअली इसमें जो वॉल्यूम कंट्रोलर है मैंने एक लगा दिया हूँ, पहले से एक वॉल्यूम कंट्रोलर लगा रखा है एक हेडफोन के साथ, तो हम इसको लगा देता हूँ इस पॉइंट पे। वॉल्यूम कंट्रोलर भी लग गया है और ये ब्लूटूथ के साथ जुड़ा हुआ है, तो ब्लूटूथ डिवाइस भी मैंने यहीं पर रख देता हूँ, इस पोजिशन पर मैंने रख देता हूँ। चलिए ये भी मैंने रख दिया, तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। सॉन्ग भी मैंने चला चुका हूँ, इसमें चल रहा है एक, तो इसको साउंड थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आराम से चल रहा है और ये स्टीरियो साउंड है। हम कुछ कॉपीराइट ना हो इसलिए कुछ और सॉन्ग चलाते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो चलाते हैं। तो चलिए मैंने इसको चला दिया हुआ अभी, तो वॉल्यूम खुलते हैं। दोस्तों ये चल चुका है, ये जो इसका जो रिक्वायर था वही मैंने डाला है, जो प्लस माइनस 12 वोल्ट होना चाहिए इसमें, तो इसमें प्लस माइनस 12 वोल्ट है, मैंने आपको मेजर करके भी दिखा दिया हूँ। इसको अभी चेंज करने वाला हूँ, चलिए चेंज करके देखते हैं एक बार। तो इस पॉइंट को मैंने पहले AC निकाल लेता हूँ, क्योंकि अगर इधर उधर होगा तो झटका लग जाएगा, तो इस पॉइंट को मैंने निकाल लेता हूँ किसी एक पॉइंट को। ये ग्राउंड है हमारा ट्रांसफार्मर का, तो हम ये दोनों वायर एक साथ जोड़ देता हूँ। तो इसमें देखिए मैंने जो कनेक्शन लगा रखा है 12-0 पे लगा रखा है, और जो 1-12 है ये मैंने निकल चुका हूँ। तो अब हम इसको पावर देके देखेंगे, हमारा जो ये बोर्ड है इसमें लाइट आता है कि नहीं और ये गाना चल पाता है कि नहीं। देखिए दोनों लाइटें ऑन हो गए, मतलब ये वोल्टेज आ चुका है। चलिए फिर एक बार वोल्टेज मेजर कर लेते हैं पहले, बाद में हम इसको गाना को भी प्ले करके देखेंगे ये वोल्टेज कितना आ रहा है वो पहले देख लेते हैं। देखिए -12.1 वोल्ट दिख रहा है और ये +12.1 वोल्ट दिख रहा है, मतलब कि वोल्टेज सही है। देखिए ये जो था ये ड्यूएल वोल्टेज में ऑपरेट होने वाला था, लेकिन मैंने ये सिंगल वोल्टेज देखे इसको ऑपरेट कर लिया हो, 0-12 देखे इसको 12-0-12 दे चुका हूँ, तो ये हो चलना चाहिए क्योंकि ये वोल्टेज तो मिल रहा है, तो गाना भी चलना चाहिए। तो ले वॉल्यूम खोल के देखते हैं, देखिए सेम टू सेम आवाज निकल रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये 100% वर्किंग प्रोसेस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये 100% वर्किंग प्रोसेस है, किसी भी एम्पलीफायर को आप कर सकते हो। ठीक है कि किसी भी एम्पलीफायर का ड्यूएल वोल्टेज जरूरत है, अगर आपके पास एक ही वोल्टेज है तो आप उसको आप ड्यूएल कर सकते हो इसी टाइप करके। तो चलिए दोस्तों, ये कॉमन हटा के ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का कहना होगा कि भाई आप कॉमन एक साइड में दिखाया था और बीच में से कॉमन ले लिया, तो ये आप कुछ उल्टा दिखा रहा है, तो उसको भी हम कर लेते हैं। पहले इसको हटा देता हूँ इसी से, हम इसको भी सप्लाई देता हूँ। चलिए इसको भी, चलो आपको रियल दिखाता हूँ, एक पॉइंट को मैंने
सोल्डरिंग करेंगे और दूसरों को छोड़ देंगे आपको रियल दिखाने के लिए कि इसी ट्रांसफार्मर से हो रहा है कि नहीं, कि साइड में हम दूसरा ट्रांसफार्मर लगा रखा है जिसमें से ये काम हो रहा है। चलिए मैंने इस कॉमन को नहीं लगा, देखिए बीच में जो जीरो लिखा हुआ है उसमें सिर्फ लगा दिया मैंने, क्योंकि ये 12012 है। तो हम एक जो हमारा कॉमन है तो मैं ले लिया, तो ये कॉमन हम आपको लाइव दिखाएंगे इसको टच करके। पहले हम इसको सप्लाई दे देता हूँ। देखिए हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से कुछ जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर में कुछ एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब कि उसमें सप्लाई नहीं है। तो ये गाना भी चल रहा है, तो हम इसको सर टच करता हूँ। देखिए वॉल्यूम खोलता हूँ, देखिए दोस्तों अगर हम इस पॉइंट पे लगाता है, क्योंकि हम बीच में लगा रखा है एक सिरा, तो हम किसी भी पॉइंट से ग्राउंड ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप किसी भी एम्पलीफायर को आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। आपका हाई वोल्टेज रिकवर तो इसमें भी हाई वोल्टेज बन जाएगा, लेकिन हमारा दोस्तों ये जो बोर्ड है ये 12012 के लिए बना हुआ है, तो इसमें हम 24024 नहीं दे सकते, हमारा ये बोर्ड खराब हो जाएगा। लेकिन हम चाहो तो इसमें से 24024 भी निकल सकता है। कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि ये इसका जो वोल्टेज है एसी में उतना वोल्टेज है, आप लोग देख लीजिए एसी में जितना आप का ट्रांसफार्मर होगा मैक्सिमम उतना आप निकाल सकते हो। देखिए दोनों पॉइंट पे मैं दिखाता हूँ, पहले जो हम इस पॉइंट से दिखाया था इधर 12 वोल्ट था, 11.9 या 6 ऐसा कुछ था, तो इस पॉइंट से भी उतना ही था। लेकिन अब हम दोनों पॉइंट पे मेजर करेंगे तो देखिए 20 वोल्ट 23 वोल्ट के करीब आ रहा है। तो हम अगर एक को ग्राउंड मानते हैं तो दूसरों को अगर ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया हमारे जो डिजाइन के हिसाब से, तो ये 24024 का डीसी वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें से आप 24024 भी निकल सकते हो। और एक चीज दोस्तों, जो हमारा जो 12012 का जो किट होता है, अगर आपके पास कुछ SMPS है 024 का, तो उसमें भी इस बोर्ड पे लगा के आप चला सकते हो, वो भी ठीक हम आपको अगर चाहो तो हम दिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, वीडियो कैसा लगा मुझे बता दीजिएगा, और फिर मिलेंगे एक अच्छे ट्रिक के साथ जो आपको लोगों को काम पे आए दूसरे किसी वीडियो पे। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही।